डाल भाई पहले के एयर में निमली चलो 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 चलो। हाय फ्रॉम जिस्पा और अभी निकल रहे हैं हम ले की तरफ। सो व्हाट्स अप पीपल कुलदीप दिस साइड बैक इन द रेडियो, चलिए शुरू करते हैं। बाकी है ना जो वाइपर वाला पानी है ना वो डालना है, तो मैंने इस बोतल में भर लिया था, तो बोनेट खोल के उसमें डाल लेंगे। रोड पे निकल गए हैं, आगे सूरज है तो इसलिए ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, थोड़ी देर तक कम ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि सूरज में देखो रिफ्लेक्शन देख रहे हो। स्पेशली ये पानी पूनी पड़ा हुआ है, रात को थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी ना जब बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो नहीं देखी है चेक करते रहो यार, सारी वीडियो देखो। बाकी सन ग्लासेस लगा लेते हैं अपने। सो कल वाली जगह आ गए हैं, अभी ब्रिज आने वाला है ये वाला, और यहाँ से चल चल क्या रुकना है, कोई नहीं रुक रहा भाई, ये ट्रक ही खड़े हैं, रात के खड़े हैं और अभी मैं भी कब निकलेंगे पता नहीं। बाकी गाड़ी तो कोई भी खड़ी दिखाई नहीं दे रही है, आगे तक जा रहे हैं उस पॉइंट तक। वो देखो निकल रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता एंट्री डलवा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। सो यहाँ पे एंट्री होने लग रही है, नंबर नोट किया जाएगा, पर्सन पूछेंगे शायद के कितने बंदे हैं, बाकी फिर जाने देंगे। 3 बंदे चलो बस, ये हो रहा है फिलहाल यहाँ पे। उधर बाइक वालों की हो रही है, जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, कल भी यहाँ पे रुका रहना पड़ गया था सारे बंदों को, और जिस पर हमें स्टे नहीं मिल रहा था, कल इतनी दिक्कत आ रही थी स्टे मिलने की, फुल थे सब कुछ, हम टाइम से निकल गए वापस, इसलिए फ़ायदा हो गया, नहीं तो अदरवाइज काफ़ी दिक्कत आ जाती। बाकी अभी टेम्परेचर काफ़ी मस्त है, 9 degrees और 700 किलोमीटर हमारे सफ़र कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी तो हुए थे 2-4 किलोमीटर। वो आज का सफ़र होपफुली अच्छा रहने वाला है, और अब तो कोई चेक पोस्ट नहीं मिलने वाला जहाँ पे रोकने वाले हैं हमें, और रोड बता रहे थे 15 किलोमीटर आगे जाके ख़राब शुरू होता है, देखते हैं कितना ख़राब है, सिचुएशन कैसी है, क्योंकि जिंगजिंग बार पे शायद रोड ख़राब है, बार लाचला के पास रोड ख़राब है, सरचो तक रोड थोड़ा ख़राब ही रहने वाला है। बीच में एक दो वाटर क्रॉसिंग भी आएगी, वो भी कैसी आएंगी वो भी नहीं एग्जैक्टली आइडिया इस बार। अभी मॉर्निंग में इतने जल्दी निकले हैं, टाइम देख रहे हो 7 बज चुके हैं, होटल से निकले हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं, एंट्री पे थोड़ा सा टाइम लग गया था, लग नहीं रहा है कि वाटर क्रॉसिंग में ज़्यादा पानी मिलने वाला है क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी निकल गया। दिन की पहली वाटर क्रॉसिंग और यहाँ से निकलने वाला ज़्यादा नहीं है, हल्का ही पानी क्योंकि मॉर्निंग में निकले हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि पानी कम ही रहने वाला है, सो आराम से निकल जाना चाहिए, कुछ लग नहीं रहा है सब, बट मॉर्निंग के हिसाब से भी पानी का फ्लो काफ़ी अच्छा है यार। चलो सेफ से निकल गए, पहली वाटर क्रॉसिंग है, वाटर क्रॉसिंग पहले वाली क्रॉस, बस इतने में एक्साइटेड हो गए तो कुछ ये कुछ भी नहीं है, शुरू हो गया मजा, देखते हैं अब क्या आता है। आगे देख रहे हो गाड़ियां फंस रही है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आराम से निकालनी पड़ेगी, अगली वाली गाड़ी फंस चुकी सबसे अगली वाली, शायद पैदल जाए बट पानी चल रहा है इसलिए थोड़ा सा मन नहीं कर रहा कि बूट्स को गीला किया जाए, बूट्स नहीं शूज को, एक्चुअली मैं शूज पहन रहा हूं, बूट्स की आदत हो गई है ना ज्यादा, अगर बाइक से आते हैं तो बूट्स पहन के आते हैं। अब निकल रही है गाड़ी आराम से, वैगनार फंस गई थी, टैक्सी ले रहे थे थोड़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से, इधर से लेंगे थोड़ा निकल जाएगी आराम से, आने दो आने दो, मोमेंटम जरूरी है, मोमेंटम बिना कुछ नहीं होगा, क्या कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं नहीं कर रहे, सारा जाम यहीं लगा हुआ है, यहाँ होता ही है जिंगजिंग बार के पास अक्सर यहाँ जाम लगती है पानी का, यहाँ वाटर क्रॉसिंग आती है और फंस जाती है गाड़ियाँ। हमने ही मैन भेजा भी, ही मैन भेजा है, ये कुछ कर देगा तो कर देगा, नहीं तो किसी को कुछ नहीं होने वाला, दो आदमी का और रखता है अपना। अरे भाई पहिए के नीचे रबड़ का मैट रखो, मैट रखो, मैट रखो अंदर वाला मैट निकाल के, जो आपका रबड़ का मैट है उसके आगे रखो, निकल जाएगी एक बार चढ़ी तो ग्रिप कर देगी, ग्रिप पकड़ लेती है, ग्रिप पकड़ लेते उससे निकाली हुई है, ऐसे निकाली हुई है, कई बार निकाली है, मैट रखो रबड़ का मैट रखो, ग्रिप पकड़ लेगी वो आगे पहिए पे, चढ़ो
देगी, वो चैन बन के चढ़ा देगी, वो चैन बन के ग्रिप पकड़ती है। आ गए पहिए के नीचे रख दो प्रमोद भाई, बस बढ़िया ही, बस बस ध्यान रखो इसकी ग्रिप पकड़ा दो बस। चलो पहला गेयर डालो, डाल भाई पहला गेयर, पहले गेयर में निमली, चलो 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 चेंज कर दिया है, उसके बाद वो खींचेंगे चलो चलो निकलेगी निकलेगी खराब हो चुकी है, हमने पता किया था। मैं चलो ठीक है यार, उनकी बाइक है, बाइकें खराब होंगी, तो उन्होंने इसमें रख दिया। चलो अच्छी बात, मतलब अच्छी बात तो क्या है, बाइक खराब होगी। बाकी अगर ऐसा करना चाहते हो ना कि बाइक ले चलो दो बैठ जाओ, अगर बाइक चलानी है तो बाइक उतार लो, गाड़ी खड़ी कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। मेरे पर एक बार माइंड में आ रहा था ऐसा कुछ करने के लिए, बट मैंने कुछ और किया है, ऐसा ही किया है मैंने, वो बताऊंगा आपको इन फ्यूचर वीडियोस में, तो स्टे ट्यून्ड रहना। लोकेश क्या ऑर्डर किया है? ब्रेड ऑमलेट। एक ही किया? पता नहीं, आपने किया? हाँ, झूठ बोल रहे, दो ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर करके आए। बाकी अंदर इसमें स्टे का भी ऑप्शन है, जिंगिंग बार पे अभी मीटर में देखते हो 4320 मीटर। ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी कर सकते हो, स्टे करना स्टे कर सकते हो, अगर गाड़ी फंस जाती है पीछे तो यहाँ आओ, स्टे करो, आराम से रिलैक्स करो, चिल करो। क्यों? बिल्कुल। गाड़ी कैसी निकाली? गाड़ी अच्छी निकाल दी तुमने, मुझे अब यकीन हो गया निकालने का आगे, तो मुझे चलाने की जरूरत नहीं है इस बार, पूरा मैंने जिम्मा इसको दे दिया है कि तू चला, तू मौज कर। बिल्कुल। सुबह सुबह ब्रेड ऑमलेट मिल जाए और क्या चाहिए। चलो बिल्कुल मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सो बाहर लाते से थोड़ा सा पहले ना रुक गए हैं या फोटो वोटो क्लिक करने के लिए, बट सूरज ऐसा है ना कि इधर से है, अगर ये थोड़ा सा इधर से होता ना तो फोटो थोड़ी अच्छी आ जाती, बट चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं अच्छे फोटो क्लिक करने के लिए। फोटो सारे मिलेंगे इंस्टाग्राम पे हमारे, और बाकी बालाचे पे तो फोटो क्लिक करवाने वाले हैं, वहाँ पे स्नो ही स्नो मिलती है, बालाचे पे हमेशा स्नो मिलती है, देखते हैं ट्राई करके। चलो कि फोटो आएगी अच्छी, चांस कम है, हम लेके आएंगे अच्छी वाली, ट्राई करो, ट्राई करते हैं। अब स्नो ही स्नो यार, यहाँ नहीं खींचेंगे तो कहाँ खींचेंगे। सो अभी आ गए हम सूरज ताल पे, क्या बढ़िया लग रहा है, विंटर में जम जाता है बट समर के टाइम में आसपास में स्नो होती है और ये ऐसा रहता है, बहुत ज़बरदस्त। आगे तक ऐसे घूम के जाएंगे तो आगे तक दिखाने वाला हूँ, व्यू अच्छा आने वाला, ज़बरदस्त आने वाला है। फोटो की यहाँ ट्राई करेंगे, सूरज पीछे है तो यहाँ नहीं करेंगे, मे भी आगे जाके वहाँ से ट्राई करेंगे, तो सूरज आगे की तरफ रहेगा तो फोटो अच्छे आने की उम्मीद है, तो फोटो की आगे जाके ट्राई करेंगे। लोकेश फोटो आगे से लेते हैं, आगे से, आगे से। ओके वेल डन। बाकी सुनो देख ही रहे हो कैसी है, ज़बरदस्त। अभी पहुँच गए बाला चौदह पास, जो कि है 4850 मीटर हाइट पे, सो इसका ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, बट पीछे का बैकग्राउंड देखने के लिए लायक है यार, स्नो देख रहे हो, दूर दूर तक स्नो ही स्नो नज़र आ रही है, ऊपर देखो कितना स्नो है, ये स्नो या यहाँ पे फोटो बनता है। लास्ट टाइम भी मैंने फोटो वोटो कैसे क्लिक की थी, लास्ट टाइम मैं बाइक से आया था, मैं दो बार कर चुका हूँ मैं पहले से लद्दाख, और यहाँ से निकला हुआ हूँ। लोकेश तो वहीं बैठा हुआ है, बुलाता हूँ उसको, आ जा फोटो वोटो क्लिक कर ले, आ जा, आ रहा है आ रहा है, कह रहा है स्टोरी स्टोरी बना रहा होगा। बाकी बंदे तो आगे निकल गए, पर जो थर अभी आए नहीं है, पीछे है, आ जाएंगे आराम से, आ जाएंगे क्या जल्दी है। बाकी व्यू गजब का है, थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, पासिस पे टाइम लगता है, सांस चढ़ रही है, दिख रहा है सांस तेज चल रही है। सो एक और वाटर क्रॉसिंग आ रही है, ठीक ठाक सी आ रही है, इसलिए दिखा रहा हूँ, नहीं तो वाटर क्रॉसिंग तो दुनिया भर की है, और टिकी हल्की सी टिकी वही है, बम्पर के नीचे जो थोड़ा सा गार्ड सा लगा रहता है ना, उससे हल्की सी वो टच होती है, वो सही है, वो देना भी चाहिए, जिससे ना बम्पर पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते हैं, वो बैंड हो के ना बम्पर के नीचे लग जाता है, जैसे स्क्रैचेस नहीं आते। बाकी मस्त मज़ा आ रहा है, जबरदस्त सो देख रहे हो, जबरदस्त। अनदर वाटर क्रॉसिंग, अरे ये तो चलती रहेगी नीचे तक जा रही है, तो ऐसे ही ना बाल से उतरते हैं, पासिस से उतरते हैं तो ऐसे ही मिलता है,
वाटर क्रॉसिंग सी होती है, पानी नीचे रास्ते पे वैसे बहता रहता है, तो हर जगह मिलती है, नो बिग डील। सही है लोकी, सही है। इसको पूरा ड्राइवर बना के लेके जाएंगे अब, मतलब अब ये कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसा बना देंगे इसको, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली इसको। ये तो टायर ही निकाल दिए गए लगता है, मुझे किसी ने चोरी कर लिए, ट्रक खड़ा करके गया होगा तो फंस गया होगा, और टायर ही गायब है, चारों ही गायब है, क्या बात है। वाओ, ये तो बहुत सही हो गया। तो पहले पानी ही पानी रहता था, आगे देखते हैं अगर पानी मिलता नहीं तो, यहाँ पे भी पानी ऐसा लगता था कि कहाँ आगे। ये ऊपर से ये ठीक कर दिया बी आर ओ ने, ठीक किया ये। बाकी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रोड बन गया, बट स्टिल बहुत अच्छा काम किया। मे बी इन फ्यूचर यहाँ पर रोड दिखाई देगा या कोई ब्रिज भी बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है। आगे वाटर क्रॉसिंग है सो वो भी थोड़ी सी मतलब फंसने वाली होती है, बाकी निकल जाएगी मुझे लग रहा है। वहाँ से निकलेगी तो यहाँ से तो क्या दिक्कत आने वाली है। दिखाते हैं जब वाटर क्रॉसिंग आती है तो अच्छी तरह दिखाते हैं। देखो कितना सही हो गया, पानी तो दिख ही नहीं रहा है, आगे दिख रहा है, आगे है, आगे है पानी है। बहुत सही हो गया, बहुत सही हो गया, बहुत ज़्यादा सही हो गया। पहले तो बताऊँ आपको, गाड़ियाँ बाइकें यहाँ फंसी नजर आती थी, ऐसा नहीं लगता था कि निकल जाएगी। अब तो ऐसा लगता है कि आराम से जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। चल निकाल, निकाल जल्दी निकाल। और वैसे भी मेरा जैसा ड्राइवर होते हुए निकल जाएगी। लोकेश कह रहा है मेरे जैसा ड्राइवर, ओहो यहाँ ये तो बच्चों का खेल है, अब तो इतना ईजी हो गया। जब मैं 2 साल पहले ब्रिज का काम बन चुका था तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आती, वहीं पे रहता था, वहां से काफी सही है। रोड आ गया, कहाँ से आया पता नहीं, कैसे आया, पहले तो यहाँ रोड होते थे। इस बार बहुत अच्छी सी डिसीजन है, मे बी हम मॉर्निंग में आए, अभी टाइम जैसे 9:55 है, जो वाटर क्रॉसिंग अभी 2 मिनट पहले क्रॉस की थी। मे बी इसलिए पानी नहीं था, नहीं तो पानी यार का फ्लो जो होता है ना भाई, गाड़ियाँ बाइकें फंसी ही रहती है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। बट इस बार इतना ईजिली निकले हैं, पूछो मत, इतना ईजी। इस बार मैं आया हूँ ना, इस बार मैं आया हूँ इसलिए ईजिली निकले हैं। ये तो करता ही रहता है, इसको तो मतलब गाड़ी क्या दिखा दी, निकाल क्या दी इसने कहीं से, अब तो ये ऐसे ही करता रहेगा। बाकी प्लेन्स देखो यहाँ पे, देखो पानी, यहाँ पानी पानी रहता है, वो पानी वहीं से आता है, ऊपर से ही है ना पानी, वो नीचे ही आता है, वो यहीं वहीं से आएगा, और कहाँ से आएगा पानी। जिस हिसाब के वाटर क्रॉसिंग है ना, बहुत ज़्यादा पानी आता है यहाँ, पर अब थोड़ा कंट्रोल है वो कैसे किया हमें आइडिया नहीं है इतना। मे बी वो जो ब्रिज बना है उसके नीचे से निकल जाता है, पर ब्रिज तो पिछले साल भी था, 2 साल पहले जब भी था, पिछले साल तो मैं आ नहीं पाया था। सो सरचू की कैंप साइट स्टार्ट होगी, थोड़े पीछे से स्टार्ट होगी, मैं सोचा कि थोड़ा आगे जाके बनाते हैं सरचू। ऐसे जो मेन सरचू होता है ना, जहाँ पे कैंप्स भी होते हैं, वहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी होते हैं, खाने के ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर चेक पोस्ट भी होता है, वहाँ पर एंट्री डलती है, उधर से तो डलती है, इधर से पता नहीं डलती नहीं डलती, बाकी मोस्ट प्रोबली डलती होगी। वहाँ पे थोड़ा सा हाफ एन आवर का ब्रेक भी लेने की सोच रहे हैं, और यहाँ पे छोटा सा एक पैच भी आएगा 100 मीटर का ऑफ रोड का, इस बार देखते हैं कि ऑफ रोड मिलेगा नहीं मिलेगा। इससे मिलता है बार वाटर क्रॉसिंग सी है वो, और वो बस यहीं टर्न पे ही आने, एक या दो टर्न छोड़ भी आ जाएगी। सो आप प्लीज इसे साफ कराए हैं और एंट्री होने वाली है। प्रमोद भाई बिजी हो गए, कहीं बात करने लग गया, उसे एंट्री होती है सर चूँकि चेक पोस्ट है यहाँ पे एंट्री करवानी जरूरी है। उधर से बताया था होती है, इधर से भी होती है। सही यार, पहले उधर होती थी आगे की तरफ, जैसे यहाँ से निकल के आगे वहाँ जहाँ पे वो डाबे डोबे से बने हुए हैं, इस बार यही होने लग गई है। चलो भाई चलो प्रमोद भाई, जल्दी लेट कर रहे हैं प्रमोद भाई, छोड़ दे इनको, हमेशा लेट ही करते हैं। एंट्री डलवा के ना एकदम कहते छोड़ देते हैं इनको, यही कर देना, यही करते हैं, सही करते हैं ना, सही। सो वाटर क्रॉसिंग आ रही, मैं कह रहा था कि आता है थोड़ा सा गंदा सा पैच आता है, यहाँ पे गाड़ी टिक गई थी, लोकेश तुमने टेक दिया ना, अभी ये मत कहना कि हाँ मैं गाड़ी कैसे निकाल देता हूँ, अरे मैं निकाल के दिखाता था एक बिना टेके। चल कोई नहीं, गलती हम माफ कर देंगे, क्योंकि आराम से बैठ के जाना है। चलो भाई वाटर क्रॉसिंग ऐसे आते रहेंगे, अब तो बड़े वाले तो सारे हो गए क्लियर, छोटे मोटे आने वाले। यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन कर रखे है कि लोमा कितनी दूर है, लाचुंगला, तंगांगला, तंगांगला देखते हैं मेन, खारदुंगला 360 है वैसे, तंगांगला यहाँ से 143 किलोमीटर है, उसके बाद थोड़ा सा ऑफ रोड पैच आएगा, उसके बाद फिर मक्खन वाले रोड है, इसके बीच में भी काफी अच्छे रोड आने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है कि वही गंदा वाला पैच आएगा, उससे पहले गंदा आएगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। 11 बजे हम सरचू में हैं, तो मतलब सही टाइम पे है ना, हम तंगांगला क्रॉस कर लेंगे, बीच पे 2 पासेस और आने वाले, मतलब टोटल 3 पासेस आने वाले हैं। थोड़ी सांस चल रही है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा चल के गया था, बाकी लोकेश से गया कुछ खाने वाने लेने के लिए, क्या ले रहा पता नहीं, क्या क्या लिया, अमूल कूल लिया है इसने, कोक लिया है, चिप्स लिया है,
जो जो लिया ठीक है खा लेंगे और ठीक है मौज उठा लेंगे। ओके गुड गुड सही है, चलो लेके चलना पड़ेगा भाई।